हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं किचन हैंगर का बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन। तो यहाँ पे देखिए, कुछ बीट्स लिए हैं मैंने, लाइटर, सीजर, और यहाँ पे जो कॉर्ड है हमारे, यहाँ पे 4 कॉर्ड यूज़ होंगे। ये वाले मैंने लिए हैं 2.25 मीटर के, 2.25 मीटर के, 2 मीटर से ज़्यादा हैं। और ये वाले लिए हैं मैंने 1.5 मीटर के 20 कॉर्ड, 24 कॉर्ड हमारे यहाँ पे यूज़ होंगे। 20 कॉर्ड मैंने लिए हैं 1.5 मीटर के, और 2.25 मीटर के हमें 4 कॉर्ड चाहिए। और एक हमें इस तरीके की रिंग चाहिए, सिर्फ बड़ी हो तो वो भी आप ले सकते हैं थोड़ी सी। चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। हाँ, ये देखिए, यहाँ पे मैंने अलग से 2 कलर में कॉर्ड लिए हैं, आप कोई भी कलर यहाँ पे ले सकते हैं। छोटे छोटे से कॉर्ड चाहिए हमें। चलिए शुरू करते हैं इसको। देखिए, 2.25 मीटर के कॉर्ड हैं जो, उनको हमें डबल इस तरीके से फोल्ड करना है और रिंग में सभी कॉर्ड्स को इस तरीके से अटैच कर लेना है। ये देखिए, पहले हम इस तरीके से 2 कॉर्ड ले लेंगे, इस तरीके से। यहाँ पे देखिए, 4 कॉर्ड हमें यहाँ पे मिल जाते हैं, तो ये हम ले लेंगे और यहाँ पे सिंपल स्क्वायर नोट लगाएंगे। ये देखिए, 4 नॉट हमने यहाँ पे लगाए। बीच वाले 2 कॉर्ड में हम बीट्स ऐड करेंगे। ये देखिए, यहाँ पे हम स्पाइरल वाले नॉट लगाएंगे एक ही साइड से कॉर्ड दबाकर। ये देखिए, 8 टाइम हमने यहाँ पे इस तरीके के ये वाले लगा लिए। फिर से हम बीट्स ऐड करेंगे। देखिए, इतना ही हमें ये बनाना है। देखिए, फिर से यही वाले स्पाइरल मूव लगाएंगे। फिर से एक बार बीट्स ऐड कर लिया है और इसमें हम यहाँ फिर से हम 8 स्पायरल मूव लगा देंगे। ये देखिए, 3 टाइम हमने इस तरीके के स्पायरल मूव वाले ये वाले नोट लगा लिए हैं। फिर से बीट्स ऐड करके हम ये वाले नोट लगाएंगे, सिंपल स्क्वायर वाले। यहाँ पे भी हम 4 नोट लगा के कंप्लीट करेंगे इस डोरी को। और साइड वाली जो डोरी है हमारी, इन कॉर्ड्स पे जो बनेगी, वो भी हम सेम ऐसे ही बना के रेडी करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से साइड वाली भी ऐसे ही बना लेंगे। ये देखिए, एक हाथ जितनी हमें इस डोरी को बना लेना है दोनों को, एक एक जितना। और यहाँ पे देखिए, वुडन स्टिक ली है मैंने, जो अलग से 20 कॉर्ड लिए थे 1.5 मीटर के, वो यहाँ पे अटैच कर लिए हैं। तो हम इन वाले कॉर्ड्स को यहाँ पे अटैच कर लेंगे। देखिए, सभी कॉर्ड्स को हम वन वन टाइम हम यहाँ पे रैप करेंगे। देखिए, सभी कॉर्ड्स को हमने सिर्फ एक ही बार निकाला है और यहाँ पे हम एक इनको अच्छे से सेट करके और यहाँ पे एक सिंपल स्क्वायर नोट लगा देंगे। ये वाला जो कॉर्ड है हमारा, इसको हम अंदर की साइड पे करेंगे इस तरीके से। और अच्छे से इनको सेट करके यहाँ पे सिंपल स्क्वायर नोट लगा देंगे। ये देखिए, यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे।
सभी कोर्ड्स को वन वन टाइम हम यहाँ पे निकाल लेंगे। और यहाँ पे इनको अच्छे से टाइट से खींच के और यहाँ पे इनसे नोट लगा लेंगे। देखिए इस तरीके से नोट लगा लिया। अब हमें यहाँ पे इस तरीके से टू टू कॉर्ड लेके इस तरीके से, देखिए फोर कॉर्ड है यहाँ पे, इस तरीके से नोट लगा लेंगे। वुडन स्टिक हमने 8 इंच की ली है, देखिए इस तरीके से सभी हमें हम इस तरीके से नोट लगा लेंगे। यहाँ पे भी हम ऐसे ही नोट लगा के तैयार करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे 12 नोट हमारे यहाँ पे लगे हैं। अब हमें क्या करना है, फोर फोर नोट का एक कॉलम हमारा बनेगा। तो यहाँ पे देखिए 4 नोट हैं जो हमारे साइड के नोट को एक एक छोड़ देना है, और जो बीच के 2 नोट हैं उनके बीच में हमें एक नोट लगा देना है। देखिए इस तरीके से, यहाँ से देखिए फिर से फोर नोट है हमारे, 1 2 3 4, फोर नोट के यहाँ जो बीच वाले 2 नोट हैं उनके बीच में हमें नोट लगाना है। ये देखिए इस तरीके से हमें फोर फोर नोट्स के बीच में एक नोट लगाया है सिर्फ। अब 3 हिस्सों में इसको डिवाइड कर लेंगे। ये देखिए जो ये हमारे, देखिए जो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट वाला नोट है उसको हमें यहाँ से ये वाला कॉर्ड लेना है, और यहाँ पे 4 कॉर्ड हमें नोट के, देखिए जो नोट लगाया है उसके यहाँ से हमें 4 कॉर्ड ले लेने हैं इधर के, और ये वाले इस कॉर्ड पे हम पाइपिंग कर देंगे। देखिए यहाँ से भी ये वाला कॉर्ड लेंगे, देखिए इस वाले नोट का ये वाला कॉर्ड और इधर की कॉर्ड पाइपिंग कर लेंगे। ठीक है, अब जो ये देखिए यहाँ से 2 कॉर्ड है हमारे, ये वाले 2 कॉर्ड हैं जो इस वाले इसके हैं, उनको हमें ऐसे इस तरीके से लेना है, और जो यहाँ से हमारे कॉर्ड आए हैं उन कॉर्ड पे हमें इस तरीके से पाइपिंग करते हुए यहाँ नीचे की साइड पे लेके आना है। इस तरीके से ठीक है, इन सभी कॉर्ड्स पे हम पाइपिंग कर लेंगे। अब यहाँ से देखिए ये वाला जो फर्स्ट वाला कोड है इस पे हम ये वाले सारे कोड पाइपिंग कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमें इस तरीके से एक नोट लगा देना है।
है। अब यहाँ से देखिए, इधर भी हम ऐसे ही बना के रेडी करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारे बीच के दो कोड हैं, इनको हम बारी बारी से इन फोर कोड पे इस तरीके से पाइपिंग करके इसी तरीके की पत्ती बना लेंगे। देखिए, फोर टाइम हमारी ये वाली पाइपिंग हो गई है। अब हमें देखिए, नॉट में से एक कॉर्ड हमारा इधर बचा हुआ है, इस कॉर्ड पे हम ये वाले कॉर्ड पाइपिंग कर लेंगे। यहाँ पे इस तरीके से पाइपिंग करते हुए यहाँ पे हम नॉट लगा लेंगे। देखिए, इसी तरीके की पत्तियां हम यहाँ पे फोर कोड पे बनाएंगे। फोर कोड लेके पहले एक पत्ती ऐसे बनाएंगे और एक पत्ती ऐसे बनाएंगे यहाँ पे, और इस तरीके से यहाँ पे भी हम ऐसे ही पत्तियां बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके की हमने पत्तियां बना के रेडी कर ली हैं। अब हम ये वाला डिज़ाइन बनाने वाले हैं। देखिए, दो पत्तियां हमारी यहाँ से हैं और बीच दो नीचे से, और बीच से हम इस तरीके का यहाँ पे एक डिज़ाइन बनाएंगे। तो उससे पहले देखिए, यहाँ पे दो जॉइंट के बीच में यहाँ पे मैंने देखिए फोर नॉट लगा रखे हैं, यहाँ पे भी लगा लेंगे। तो टू कोट इधर के लेने हैं और टू कोट इधर के लेने हैं, और दो फोर कोट को लेके इस तरीके से एक नॉट लगा देना है। फिर देखिए, टू कोट इसमें से लेंगे नॉट में थे, और टू कोट हमारे यहाँ से नीचे से लेंगे और यहाँ पे एक नॉट फिर से बना देंगे, सेम ऐसे ही इधर से भी। ये देखिए, अब दोनों नोट में से दो दो कोड ले लेंगे और फिर से एक नोट बना देंगे। ये देखिए, दोनों साइड पे हमारे इस तरीके के यहाँ पे दो दो बनेंगे। अब हमें क्या करना है, ये इस तरीके का बनाने के लिए हमें यहाँ पे जो हमारे कोड है, ये जो नोट लगे हुए हैं हमारी, ये वाले नोट देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे भी ऐसे ही होगा। देखिए, इनमें से हमें ये वाला नोट है, फर्स्ट वाले बीच वाले दो कोड छोड़ देने हैं, ये वाले एक इधर का छोड़ देना है, और सेकंड वाले दोनों कॉर्ड को एक इधर का कट करेंगे, और यहाँ पे अपनी पसंद का कोई भी कलर का कॉर्ड ले सकते हैं, और इसको हम यहाँ पे चिपका देंगे, और एक इधर चिपका देंगे। ये देखिए, इस तरीके से ये वाले टू कोड अब हम इधर करेंगे, और रेड वाले कोड से इस तरीके से यही वाला डिज़ाइन हम बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, इस तरीके से सिंपल स्क्वायर नोट लगा लेंगे हम यहाँ पे। टू, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव नोट मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। तो फाइव नोट हम जब यहाँ पे लगा लेंगे, तो इस तरीके से हमें इस कॉर्ड को अच्छे से खींचना है, और ये वाले दोनों कॉर्ड को हम यहाँ से इस तरीके से पकड़ते हुए यहाँ से निकालेंगे। देखिए, गैप है यहाँ से, और नीचे की साइड पे निकाल लेंगे। इस तरीके से नीचे की साइड खींचते हुए रेड कॉर्ड से अब हम यहाँ पे एक नोट लगा लेंगे, टाइट नोट हम यहाँ पे लगाएंगे। देखिए, फिर से इस कॉर्ड को अच्छे से खींच लेंगे, और जो अब हमारे ये रेड वाले कॉर्ड हैं हमारे, इनमें हमें वापस से वही कॉर्ड अटैच करना है जो हमने यहाँ पे कट कर दिया था।
देखिए इस तरीके के से हम दोबारा से जब अपना कॉर्ड जोड़ लेंगे इस तरीके से, तो फिर से यहाँ पे एक नोट लगा देना है इस तरीके से। यहाँ से देखिए फोर कॉर्ड लेके और यहाँ पे नोट लगा देना है। देखिए फिर से हम यही वाली पत्तियाँ यहाँ पे बना लेंगे, यहाँ पे और यहाँ पे। ये देखिए यहाँ से ये वाला फर्स्ट वाला कॉर्ड लेंगे और ये वाले कॉर्ड हम यहाँ पे पाइपिंग कर लेंगे। इस तरीके से अब क्या करना है, जो ये वाले फोर कॉर्ड हैं इन पे ये वाले टू कॉर्ड यहाँ से पाइपिंग करने हैं। एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जो यहाँ पे लिए हैं हमने ये वाले कॉर्ड आप 1.5 मीटर के लीजिए, और यहाँ पे जो हमने कॉर्ड लिए हैं वो आप यहाँ पे 1 मीटर के ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ से हमारा जो डिजाइन बनेगा अभी कम होता चला जाएगा, तो यहाँ से हमारे कॉर्ड कम ही यूज होंगे। ये देखिए हमारे कॉर्ड्स काफ़ी लंबे लंबे बचे हुए हैं यहाँ वाले, तो यहाँ पे हम कम कॉर्ड ले सकते हैं साइड में भी और यहाँ पे भी। ये देखिए अब ये वाला कॉर्ड लेंगे, ये वाला देखिए इस वाले नोट का ये वाला कॉर्ड, और फिर से ये वाले सारे कॉर्ड पाइपिंग कर लेंगे। ये देखिए इस डिज़ाइन पे हम यहाँ पे एक नोट लगा देंगे और अभी इसको हम यहीं पे छोड़ देंगे किस तरीके से। सेम ऐसे ही पत्ती यहाँ पे भी बनेगी, उससे पहले हम ये वाला डिज़ाइन एक बार यहाँ पे भी बना लेंगे। ये देखिए जो यहाँ से बीच के दो कोट छोड़ने हैं और ये कोट कट करने हैं, इन पे हमें दूसरे कलर का कोट चिपकाना है। तो यहाँ पे मैंने रेड कलर का चिपकाया था, यहाँ पे मैं ग्रीन कलर का कोट ले लूँगी। ये देखिए इस तरीके से मैंने बीच वाले दो कॉर्ड छोड़ के साइड वाले दो कॉर्ड में हमने यहाँ पे ग्रीन कलर का कॉर्ड चिपका लिया है। इसको आप चाहो तो छोटे छोटे से कॉर्ड कट करके ले सकते हैं, नहीं तो कोई भी कॉर्ड ले लीजिए, एक्स्ट्रा जितना भी बचेगा आपका आराम से बच जाएगा। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से बड़े ही कटे हुए थे मेरे पास, तो मैंने वो ले लिए हैं एक्स्ट्रा। हमारा जब नेक्स्ट हम ये ऐसा डिजाइन बनाएंगे तो हमारा यूज़ हो जाएगा। देखिए इस तरीके से हमने 5 नोट लगा लिए। अब ये वाले जो बीच के कॉर्ड हैं हमारे यहाँ से निकाल लेंगे और नीचे की साइड से पकड़ते हुए इस तरीके से निकाल लेंगे। और यहाँ पे एक टाइट सा नोट लगा देंगे। फिर से यहाँ पे हमें ये ग्रीन कॉर्ड कट कर लेने हैं और यहाँ पे ग्रीन कलर का कॉर्ड हम यहाँ पे ज्वाइंट कर लेंगे इसमें। देखिए ज्वाइंट कर लिया, यहाँ से अब हमें 4 कॉर्ड इधर लेके नोट लगा देना है और 4 कॉर्ड इधर लेके नोट लगा देना है। सेम ऐसे यहाँ से भी करेंगे, 4 कॉर्ड लेके और यहाँ पे नोट लगा देंगे। और फिर से हम यही पत्तियां हमारी बना लेनी है। देखिए नोट का जो यहाँ से फर्स्ट वाला कॉर्ड है, इस वाले कॉर्ड पे हम ये वाले 4 कॉर्ड जो कि हमारे नोट में से निकल के आए थे, 4 नोट में से ये वाले पाइपिंग कर लेंगे। ये देखिए यहाँ से इस तरीके से यहाँ पे पाइपिंग कर लेनी है और फिर से हम यही वाला ये बीच वाला डिजाइन जो हमारा ये वाला बना लेंगे और फिर से हम इस वाले कॉर्ड पे पाइपिंग करके यहाँ पे इस तरीके का नोट लगा लेंगे। देखिए इस तरीके से 4 कॉर्ड पे हमें यहाँ पे ये पाइपिंग करनी है। देखिए इस तरीके से अब ये वाले कॉर्ड पे फिर से ऐसे पाइपिंग करनी है।
यहाँ पे नोट लगा लेना है सभी पत्तियों में, यहाँ पे भी नोट लगा हुआ है और यहाँ भी। देखिए यहाँ से जब ये पत्ती स्टार्ट हुई तो यहाँ पे भी नोट लगा हुआ है दोनों साइड, और फिर ये पत्तियाँ, और फिर यहाँ पे फिर से नोट लगाने लगाना है, और यहाँ पे फिर से इसी तरीके के नोट लगेंगे, फोर कोड लेंगे और नोट लगा लेंगे। देखिए इस तरीके की सेम ऐसी ही पत्तियां हम यहाँ पे भी बना लेंगे। देखिए साइड में हमने बनाई हुई है, यहाँ पे हमें बनानी है तो ऐसे ही बना लेंगे। देखिए ये देखिए फ्रेंड्स, डिजाइन हमने बना के यहाँ पे रेडी कर लिया है, और यहाँ पे अब हम यहाँ पे ये वाला डिजाइन बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, ये वाला कॉर्ड लेंगे, ये वाला, और यहाँ तक पाइपिंग करेंगे, यहाँ तक कि ये जो नॉट है ना, यहाँ तक हम पाइपिंग करेंगे सभी कॉर्ड्स को। ये देखिए यहाँ तक हमने पाइपिंग किया, 7 कोड हमारे यहाँ तक पाइपिंग हुए हैं। अब हमें क्या करना है, ये जो यहाँ से 4 कोड छोड़ेंगे और यहाँ से ये वाला कोड उठा लेंगे, और जो जिस कोड पे हमने पाइपिंग की है इसको पीछे की साइड पे कट करके पीछे की साइड पे छोड़ देंगे। यहाँ से देखिए अब तो इस तरीके से हम पाइपिंग करेंगे। ये देखिए अब हम यहाँ तक पाइपिंग करेंगे, ये वाले जो नॉट है हमारे 4 नॉट है, इनके साइड तक हम पाइपिंग करेंगे। कॉर्ड्स को थोड़ी अच्छे से खींच लेंगे। ये देखिए अब यहाँ से फिर से यहाँ से 4 कोड छोड़ेंगे, और यहाँ से देखिए 5 वाला कोड लेंगे, और जो ये वाला कोड है हमारा इसको हम पीछे की साइड पे छोड़ देंगे। देखिए 5 वाला 4 कोड यहाँ से छोड़ दिए, 5 वाला कोड लिया है, उस पर हम पाइपिंग करेंगे। अब हम यहाँ तक पाइपिंग कर लेंगे लास्ट तक। खींचेंगे कोड को, और यहाँ से देखिए फिर से 4 कोड छोड़ देंगे और 5 वाला कोड लेंगे, और उस पर हम सारे कोड को इस तरीके से पाइपिंग कर लेंगे। एक बार फिर से करेंगे, ये वाले 4 कोड छोड़ देंगे और यहाँ से 5th वाला कोड लेंगे, और 3 कोड हैं हमारे यहाँ पे बाकी, इनको भी हम पाइपिंग कर लेंगे। यहाँ पे देखिए लास्ट में इस तरीके से हमारे कोड बच जाते हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जो बीच वाले कोड है, एक इधर का और एक इधर का, इसमें हम बीट्स डाल देंगे,
और अब हम यहाँ पे देखिए ये वाला कॉर्ड लेंगे और यहाँ से एक कॉर्ड एक्स्ट्रा बचा हुआ है उसको भी पाइपिंग कर लेंगे, और एक जो हमारा कॉर्ड इसमें बेड्स में डला है वो वाला कॉर्ड भी हम यहाँ पे पाइपिंग कर लेंगे। देखिए इधर से भी और अब यहाँ पे इस तरीके से कॉर्ड बच जाते हैं, इनको भी हम एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से पाइपिंग कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि चाहो तो सभी में आप बेल डाल सकते हैं इस तरीके से, पर मैंने यहाँ पे देखिए एक कॉर्ड यहाँ से कट किया है, फिर दो कॉर्ड में बेल डाली है, फिर यहाँ से दो कॉर्ड कट किया है, फिर बेल डाल दी मैंने यहाँ पे इस तरीके से बीट्स और बेल, फिर दो कॉर्ड यहाँ से कट किए हैं, दो कॉर्ड यहाँ से, दो कॉर्ड यहाँ से, इस तरीके से मैंने कॉर्ड को कट करके बेल डाली है। ये देखिए जो हमारे ये दो कॉर्ड हमने पाइपिंग करते हुए यहाँ से छोड़े थे वो वाले कॉर्ड भी हम कट करके पीछे की साइड पे मेल्ट करेंगे और चिपका देंगे। देखिए इस तरीके से मैंने सभी कॉर्ड को कट कर लिया है और बीच के दो दो कॉर्ड कट करके पीछे की साइड पे चिपका दिया है। देखिए यहाँ पे हमारा सिर्फ एक ही कॉर्ड बीच में से कटा है और बीच के हमारे इस तरीके से फोर कॉर्ड हमें यहाँ पे मिल गए हैं। यहाँ पे वन कॉर्ड कट किया है हमने, यहाँ पे बाकी जगह पे टू कॉर्ड कट किए हैं, एक यहाँ से और एक यहाँ से, बाकी टू कॉर्ड कट किए हैं। तो अब हमें यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे एक एक बीट्स ले लिया है और एक एक बेल ले ली है, तो इस तरीके से हम सभी कॉर्ड में अटैच कर देंगे दोनों कॉर्ड में, एक बीट्स डालेंगे और एक बेल डाल देंगे। ये देखिए हमने इस तरीके से बेल अटैच कर ली है। अब हम यहाँ पे देखिए की हुक है, इसको हमें इस तरीके से खोल लेना है। अगर आप स्पून हैंगर बनाना चाहते हैं तो इस हुक को इस तरीके से यहाँ पे अटैच करना है, इस तरीके से। यहाँ पे हमने हमारी स्पून चम्मच हैंग करने वाली जो होती है वो वाली हैंग हो जाएंगी। और अगर चाबी का आपको बनाना है, जैसे की टांगने का हमें की हैंगर बनाना है, तो इस साइड से खोल के इसको और इस तरीके से इसको टांगना है। तो यहाँ से हम इसको फिर से दबा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हम यहाँ पे देखिए दो ही मैं यहाँ पे डालूंगी दोनों साइड पे और एक यहाँ पे बीच में डालूंगी मैं। यहाँ पे मैं फाइव हुक यहाँ पे डालने वाली हूँ, तो इसको आप प्लास ले सकते हैं, उससे कर सकते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा ही टाइट होता है। तो इस तरीके से हम हुक लगा लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स की हैंगर हमारा बनके रेडी हो चुका है। कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।